नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, इस वक्त हमारे साथ बादल सोनी मौजूद हैं, जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर काफ़ी पॉपुलर हैं और ये फिल्में बनाते हैं और ये चुटकुले टाइप बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं और इंस्टाग्राम पर काफ़ी पॉपुलर हैं और ये युवा लड़कियों लड़कियों को रोज़गार भी देते हैं, लेकिन इनका दोस्त ही गद्दार निकला। साथियों, आप सोच रहे होंगे मैं इसी बात क्यों बोल रहा हूं, इनके दोस्त ने ही इनके साथ सबसे बड़ी धोखाधड़ी की, इनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया और एक महीने से ये लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे थे। उसके बाद में इसके दोस्त ने एक जो इनका अकाउंट था वो हैक करने के बाद में उसका नाम बदल दिया। नाम बदलने के बाद में वो खुद अपनी पर्सनल स्टोरी लगाई। लगाने के बाद में बादल सोनी ने मुझसे संपर्क किया, फिर मैंने उस लड़के को फ़ोन कर धमकाया, फिर उस लड़के ने वो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो दबाव में आकर बादल सोनी को वापस दिया। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल, दोस्त ही अगर इस तरीके से गद्दारी करने लगे तो भाई साहब इस दुनिया का रखवाला कौन है? दुनिया में इंसानियत और मानवता ख़त्म होती जा रही है। बादल सोनी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या पूरा मामला था, क्या पूरी कहानी थी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सोनू जी, सिरसावासियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ की बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा जो चैनल है वो आपने मुझे वापस दिया। हालांकि मैंने साइबर क्राइम में सब जगह रिपोर्ट कराई, मेरी सुनवाई कहीं पर भी नहीं हुई है। अब उस बंदे ने जब स्टोरी लगाई, स्टोरी लगाते मैंने सबसे पहला जो मेरा कदम था, मैंने सोनू जी को फ़ोन करा, उनको बताया। इनको बताते ही जैसे मैंने बताया, इन्होंने कॉल किया, कॉल में वो दबाव में आ गया पर्सन। दबाव में आते ही उसने मेरे को तुरंत आईडी और मेरा पासवर्ड वापसी कर दिया उसने। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ऊपर वाले ने रिश्ते तो बनाए हैं, ऊपर वाले ने रिश्ते बनाए वो ऊपर वाले ने, लेकिन एक रिश्ता मैंने खुद ने बनाया जो कि दोस्त का था, उसी ने मेरे साथ गद्दारी करी है। मैंने हालांकि किसी का कोई बुरा नहीं करा, कुछ नहीं करा, हजारों लड़कियों को लड़कों को काम दिया जिनको एक्टिंग का शौक है, सब कुछ किया मैंने, लेकिन मैंने ऐसा किया क्या उसके साथ भी? लेकिन उसने फिर भी मेरे साथ धोखा किया। इसीलिए मैं तो आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप चौकन्ना रहें और फ्रॉड से बचें। और ये मेरा अकाउंट है जिसको आप देख सकते हो अच्छे से, इस अकाउंट को उसने हैक कर लिया था। आपका अकाउंट हैक कैसे हुआ ये बताओ? उसको यूजर आईडी का पता था, पासवर्ड का पता था या आपका मोबाइल उसके पास था, हैक कैसे हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें हुआ ये था, वो मेरे पास एक आर्टिस्ट के तौर पे आया हो गया था, कह रहा था सर मुझे काम चाहिए। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको काम दे दूंगा, आप मुझे अपनी प्रोफाइल वगैरह सेंड कर दो। वो कहता सर मैं आपको मेल पे सेंड करूंगा। मैंने उसको मेल दी, लेकिन उसके बाद उसने उसी टाइम पे वो काम नहीं किया। लगभग महीना डेढ़ महीना टपने के बाद उसने वो काम किया ताकि मुझ पर शक ना जाए। इस कारण उसने ये आईडी हैक कर ली और मेरा जो महीनों का जो नुकसान था, मैं पर मंथ इस पे क्या नाम लोगो प्रमोशन ये चीजें करके समथिंग महीने का मैं 50-60 हज़ार रुपए कमाता था, वो इसने मेरा लॉस कर दिया है बहुत ज्यादा। मैं तो बस यही कहूंगा कि आप सभी सावधान रहो, सुरक्षित रहो, और क्या चाहे कोई कितना भी सगा है उसको ना तो मेल दो। मैं आपको बता दूं, जो लड़का है वो इनका दोस्त था, इनसे काम भी लेता था। मैं उस लड़के का नाम उजागर नहीं करूंगा क्योंकि अगर मेरे नाम उजागर करने से वो मुसीबत में पड़ जाएगा, लेकिन मैं उसको चेतावनी देना चाहता हूँ, वो बी ब्लॉक में रहता है, उसको कहना चाहता हूँ मांडा ऐसा काम ना कर, आज तो तूने गलती कर दी है, ऐसे काम मत किया करो। क्या मिलता है किसी के अकाउंट हैक करने में हिम्मत है तो खुद की खुद के दम पर अपना अकाउंट बनाओ, खुद के दम पर फॉलोवर गेन करो। क्या मतलब है किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी पर हक जमाने की? आपने इसका अकाउंट हैक कर लिया और इनको ही कह रहे हो भी मैंने कुछ किया नहीं। आपने आपको शक हुआ, आपने बातचीत की उससे? हाँ, बात भी करी थी, वो बोल रहा कि नहीं नहीं, बल्कि मैंने तो उसको ये बोला था कि भाई अगर तेरे को कुछ ऐसा पता है तो मेरा अकाउंट तू मेरे को वापसी दिलवा दे। तो वो बोलता कि नाम नहीं नहीं मैं दिलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, दो दिन का मुझे टाइम दो। उसने मुझे ऐसे बोला, मैं ठीक है भाई आप दिलवा देना मेरे को अकाउंट। मैंने उसको ये भी बोला कि अगर पैसे की भी कोई बात नहीं है, अगर पैसा भी देना पड़े तो मैं दे दूंगा। बोला नहीं नहीं फ्री में काम हो जाएगा। लेकिन उस दिन के बाद उसने मेरा फोन नहीं उठाया, उससे बात नहीं करी। और जो पर्सन मेरा एक कॉल पे पहली रिंग पे फोन उठाया करता था वो आजकल मेरा फोन नहीं उठा रहा था, क्योंकि जो मेरा डाउट था वो मेरा शक में बदलता गया और शक मेरा यकीन में जब बदला, जब उसने लास्ट टाइम पीवीआर में आके अपनी स्टोरी उस पे लगा दी, जब मुझे पूरा यकीन हो गया और यकीन होती मैंने सोनू जी को बताया और आज मेरा अकाउंट मेरे साथ में है। तो मैं तो ये कहता हूं अगर मेरा अकाउंट मेरे पास है तो वो सोनू जी के वजह से है, नहीं तो ये मैं तो सही कहूंगा कि साइबर क्राइम वाले भी टाइम पास ही कर रहे हैं। मैं तो कोई झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे को बहुत धक्के खिलाए हैं इन्होंने, मेरा काम करा ही नहीं बिल्कुल भी इन्होंने। तो मैं तो आपको बस यही कहता हूं कि बच के रहिए बस।
तो मैं उस लड़के को कहना चाहता हूँ ऐसी चलाकी मत करो भाई, और मैंने नाम ले लिया ना तो पूरे शहर में हंगामा हो जाएगा, पूरे लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे, लोग जगह जगह आपको तंग करेंगे, परेशान करेंगे, मैं ऐसा नहीं चाहता। पहली गलती है इसलिए माफ कर रहे हैं, आगे से ऐसी गलती मत करना। इंसानियत के नाते, मानवता के नाते मैं माफ कर रहा हूँ। और बादल को भी कहा है मैंने, बादल सोनी को जैसे ही पता लगा मेरे पास आके कहने लग गया भी पुलिस को शिकायत कर रखी है, उसका नाम डायरेक्ट देते हैं, सब कुछ करते हैं, पुलिस से अरेस्ट करवाते हैं, आप उसका नाम लो, उसकी बेइज्जती करो, लेकिन मैं नहीं चाहता भी किसी की बेइज्जती हो। चलो पहली गलती है, हमने माफ कर दिया, बादल जी माफ कर दिया। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो बस वही था कि अपनी जो मेहनत थी मुझे मिल गया, मेरे को और तो क्या चाहिए, मेरे को कोई पर्सनली उससे कोई दुश्मनी नहीं है, बस मेरा अकाउंट मिल गया, मैं तो बस भगवान सर आपका धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, बस आपका इतना ही धन्यवाद करूंगा मैं। तो सभी साथियों से गुजारिश, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं उन लोगों को, युवा साथियों को मेरी गुजारिश और विनती है कि कृपया करके टू फैक्टर ऑन रखें, सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखें, और किसी पर विश्वास ना करें। तो सभी साथियों से गुजारिश, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।